Welcome to your channel Engineering and Technology. Subscribe your channel, like and comments. ठीक, तो हम AutoCAD 2D plans को step by step design कर रहे थे. आज का हमारा जो lecture है वो है lecture number 13. ठीक है, तो आइए चलते हैं, अपने AutoCAD फाइल को ओपन कर लेते हैं, जितना काम हम उसमें किया था. नेक्स्ट आगे स्टेप उसमें अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये हमारी पास AutoCAD की फाइल है. इसमें तकरीबन टेक्स्ट कमांड तक हम आ गए थे. नेक्स्ट ये दो हमने टेक्स्ट कमांड अप्लाई कर लिए थे. नेक्स्ट हम टेक्स्ट कमांड अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर लिविंग रूम. ठीक है, अगर आप अब अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं आप दोबारा से टेक्स्ट कमांड अप्लाई करना चाहते हो तो उस तरह भी ये हो सकता है. T enter के बाद सेलेक्ट एरिया. ठीक है, सेलेक्ट एरिया करने के बाद आपके पास यह टेक्स्ट फॉर्मेट आ गया. यहाँ से फिर वही स्टेप टाइम न्यू रोमन से यहाँ से फिर मैंने 9 inches को साइज दे दिए. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो. मैं यहाँ पे इसको कलर में चाहता हूँ कि मतलब इसका कलर मेरे पास रेडी हो. ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिविंग हॉल है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लिविंग हॉल या लिविंग रूम या डाइनिंग रूम, जैसा आपको बेटर लगे. उसके बाद मैंने माउस को यहाँ पर प्रेस कर लिया तो ये लिविंग रूम मेरे पास यहाँ शो हो गया. ठीक है, अगर अभी आपके इसके साथ वही स्टेप, अगर आपने साइज भी इसके साथ लिखना है तो DI कमांड प्रेस कर ले, एंटर. पहले इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डिस्टेंस देख ली 15 feet 9 inches, फिर DI enter, इस कॉर्नर तक डिस्टेंस देख ली, तो ये है 17.9 और एक है 15.9. दोबारा इसी कमांड पर डबल क्लिक कर ले, नीचे एंटर प्रेस कर ले. ठीक है, नीट एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिख ले 17 feet 9 inches. ठीक है, प्रेस इंटर, अप्लाई 15 feet 9 inch. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये खाली स्पेस माउस को क्लिक कर ले. ठीक है, तो ये आपके पास लिविंग रूम का साइज भी नजर आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं किचन की तरफ. ये हमारा किचन है. नेक्स्ट हम इसमें कमांड अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट कमांड किचन में टी इंटर. इस एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, वही स्टेप रिपीट होगा. टाइम न्यू रोमन्स. ये वही फॉर एग्जांपल मैं इसको कम कर लेता हूँ, 9 inches कर लेता हूँ. ठीक है, इसका मैं कलर में चाहता हूँ कि मतलब इसका कलर ये हो हमारे पास, तो मैं इसको लिख के KITCHEN क्लिक कर ली. ठीक है, ये किचन मेरे पास आ गया. ठीक है, DI enter. अभी अगर साइज आपने यहाँ पर मेंशन कर लेना है 8 feet, DI 10 feet, तो ये 10 by 8 by 10 feet का हमारे पास किचन 8 feet by 10 feet. ठीक है, तो ये हमारे पास किचन आ गया. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वॉशरूम पर. वॉशरूम का DI हम देख लेते हैं, ये है 5 feet और DI enter ये है 8 feet. ठीक है, तो अब इस पर हम कमांड अप्लाई करते हैं, वही टेक्स्ट कमांड टी इंटर. अब ये स्पेस कम है तो मैं इसके लिए टेक्स्ट का साइज भी कम करूँगा. टाइम न्यू रोमन, यहाँ से मैं कर लेता हूँ 6 inches. ठीक है, 6 inches मैंने कर ली, यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वॉश रूम. ठीक है, इसको मैं यहाँ पर प्रेस कर लेता हूँ. ठीक है, वॉशरूम की साइज में डायमेंशन कमांड में मेंशन कर लूँगा. ठीक है, अब इसको आप कॉपी कर ले, CO इंटर कॉपी वॉशरूम, ये भी आ गया. फिर CO enter कॉपी कर ले इसको, ये भी हमारे पास एक वॉशरूम है, ये भी आ गया.
ठीक है। नेक्स्ट कमांड ये है गेस्ट रूम। गेस्ट रूम के लिए अगर आप अब यही कमांड ये कॉपी कर लेना चाहो तो सी ओ कॉपी, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लो। अब इसका नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, साइज भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते। सी 13 है और ऐसे ये है 12.6, इस पर आप क्लिक करो, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आप इसकी मतलब ये जो टेक्स्ट है ये चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक कर लिया मैंने इस पर, इसको मैं दे देता हूँ बेड को मैं हटा के गेस्ट रूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये गेस्ट रूम हो गया। दोबारा डबल क्लिक करो, ये साइज को आप चेंज करना चाहते हो तो ये हमारे पास 13 फिट था, 13 फिट हो गया। ये हमारे पास 12 फिट, ये कितना था डी आई इंटर 12 फिट 6 इंचेस, को डबल क्लिक कर लो 12 फिट 6 इंचेस, ठीक है। तो साइज मैंने इसको दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट के लिए कौन सी जगह रह गई है, ये कार पोर्च टी इंटर, ये मैंने इसके लिए ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसके लिए टाइम न्यू रोमन यहाँ से एट, यहाँ पर रेड कलर, ये है कार पार्क, ठीक है, ये कार पोर्च जैसे आपको बेटर लगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। तकरीबन जो टैक्सिंग थी तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन डोर्स विंडोज की टैक्सिंग नहीं हुई। यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं ये जो है, या यहाँ पर आप OTS भी लिख सकते हो या ओपन लिख सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओपन, ठीक है। तो एरिया मैंने इसके लिए सेलेक्ट कर लिया, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। तो टाइम न्यू रोमन के बाद मैंने 6 इंचेस के लिए साइज सेलेक्ट कर लिया और इसके लिए मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। मैं इसके लिए ओपन लिख देता, ठीक है। तो ये मेरे पास ये ओपन एरिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये डोर्स वगैरह है, मतलब जब ड्राइंग में आपका कोई डोर देखे स्पेसिफिकेशन में कि डोर वन कौन सा है, डोर टू कौन सा है, तो स्पेसिफिकेशन में हम मेंशन करते हैं कि डोर वन का साइज हमारे पास 3x8 है, 3.5x8 है, डोर टू का साइज हमारे पास 2.5x7 है। उसी के लिए आपने डोर के लिए डोर के नाम भी देने होंगे, विंडोज के नाम भी। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट कमांड अप्लाई करता हूँ, टी एंटर, दोबारा से टाइम न्यू रोमन, ठीक है। तो ये टाइम न्यू रोमन हो गया। यहाँ पर मैं इसको साइज देता हूँ 6 इंचेस, ये बोल्ड कर ले। यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके लिए ब्लू। तो ये आपका D1 हो गया, क्या हो गया D1, ठीक है। तो मैंने इसको D1 दे, ठीक है। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हो कोई इशू नहीं, वो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास D1 हो गया। CO कॉपी मैंने इसका कर लिया, तो ये भी मेरे पास D1 हो गया, ठीक है। दोनों रूम्स हैं तो दोनों के मतलब जो डोर्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वॉशरूम्स है, यहाँ पर हमारे पास वॉशरूम की साइज चेंज होगी। दोबारा मैं टेक्स्ट कमांड अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं कर लेता हूँ टाइम न्यू रोमन्स, वही मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, इसका साइज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कलर वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ D2, ठीक है। तो ये हमारे पास D2 आ गया, ठीक है। CO कॉपी कर ले इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पर फेस्ट कर ले जितने भी वॉशरूम्स के डोर है, यहाँ पर भी एक वॉशरूम है CO कॉपी। ये भी तकरीबन वॉशरूम की साइज का ही डोर हम रखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास जो एक्सटर्नल साइड है उसके लिए डोर होगा। ये भी हमारे पास D2 हो गया, ये भी D2 हो गया, ठीक है।
ठीक है। अब नेक्स्ट रह गया D3, किचन का जो है वो हमारे पास D3 में आएगा, ठीक है। या आप इसी को कॉपी कर ले, CO कॉपी कर ले, इसको इसको यहाँ पर पेस्ट कर ले, डबल क्लिक कर ले, इसको D3 दे दे। साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज हो गई। ये 3 फुट बाय 8 फुट है, किचन का नॉर्मल साइज डोर होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो गेस्ट रूम का डोर है ये भी सेम ही है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब ये जो डोर है ये सबसे बड़ा है, तो ये हमारे पास D4 हो जाएगा, ठीक है। CO कॉपी, CO मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया, डबल क्लिक कर लिया इसी पर, तो इसको मैंने दे दिया D4, ठीक है। तो ये साइज हमारे पास इस साइज में ये बड़ा है, ठीक है। तकरीबन डोर की जो टैक्सिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर ये हमारे पास मेन गेट है, इसके लिए मैं टी एंटर कमांड अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने साइज इसके लिए सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोबारा टाइम न्यू रोमन्स के बाद मैं दोबारा यहाँ पर लिख लेता हूँ एट, इसी को मैं कलर दे देता हूँ रेड। ये हमारे पास मेन गेट है, ठीक है, मेन गेट, ठीक है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास मेन गेट आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये एक स्मॉल गेट है, मतलब छोटा सा दरवाज़ा जो मेन गेट के साथ ही डॉग जो डायरेक्ट व्यू पर जा सकता है और घर से भी उसको एंटर हो सकता है। तो इसको मैं देता हूँ CO कॉपी कर ले, इसको डबल क्लिक कर ले, इसको हम नाम दे देते S गेट, मतलब स्मॉल गेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्मॉल गेट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको मतलब लाइन में लेना चाहते हो तो ये आपके पास लाइन में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्मॉल गेट हो गया, इसको डबल क्लिक कर ले, साइज अगर आपको बड़ा लग रहा है सेलेक्ट कर ले, इसको साइज में कम कर ले, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉल गेट हो गया। नेक्स्ट जो टेक्स्ट का कमांड रह गया वो हमारे पास विंडोज रह गए, ठीक है, विंडोज रह गए। और इसमें हम बाद में वेंटिलेटर भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमने वेंटिलेटर भी नहीं लगाए। तो चलो इस लेक्चर में हम टेक्स्ट कमांड को ख़त्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसको इसमें हम फिर वेंटिलेटर भी लगाएंगे। CO कॉपी, CO मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, डबल क्लिक कर लिया, मैं इसको नाम देना चाहता हूँ W1, ठीक है। तो मतलब ये विंडो 1 हो गई। इसी को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो ये जो दूसरी विंडो है इस साइज में डिफरेंट है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ W2, ठीक है। इसी को मैंने दोबारा कॉपी कर लिया, W2, ये सेम साइज के हैं दोनों, ये भी W2 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट CO कॉपी, CO मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये इसकी साइज हमारे पास चेंज है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ W3, ठीक है। तो ये विंडोज की टैक्सिंग भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। ये अभी आपको तकरीबन ड्राइंग कुछ बेटर आपको नजर आ रहा होगा। ये मैंने एक स्मॉल मतलब एक 5-6 मरले का प्लॉट डिजाइन किया, इसे आप जिस तरह की प्लॉट डिजाइन कर लेना चाहते हो वो कर सकते हो। यही कमांड अप्लाई होंगे जो कमांड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह यही कमांड आपकी अप्लाई होती जाएंगे, ठीक है। तो तकरीबन ये हमारे पास टेक्स्ट कमांड हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम बाकी जो कमांड्स है वो उसी में अप्लाई करें।